हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज देखिए, आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सबका प्रॉब्लम होता है, पूरा वैक्सीट छोड़ के ना, जैसे ही निकाले ना, ये देखिए पूरा आपको जब वॉशिंग करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, या वॉशिंग से पहले ही आपका पूरा, देखिए जैसे ही लिक्विड निकाले जाएंगे तो पूरा वर्ड के साथ निकलेगा। ये देखिए बर्ड में ना ताकत भी नहीं रहता, ये जो थोड़ा बहुत बच्चा भी है ना, वो ऐसा करने के बाद निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए पूरा, अभी ये सब देखिए ये, और या तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा पूरा भर जाएगा। देखा आपने, कुछ लेटर ही नहीं आया है। देखा, देखिए पूरा भरा हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको? ऐसा क्यों होता है ये, इसका क्या रीज़न है? ये तो अभी तो जो करंट है ना, मैं आपको तीन चार रीज़न देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ये देखिए, ये देखिए अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ बना के। ठीक है, और उसके पहले क्या दिखा रहा हूँ आपको मैं कि ये होता क्यों है। ये देखिए, ये लेज़र पेपर, ट्रेसिंग पेपर है वो, टूटोफ्लेक्स का। ठीक है, और ये प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर है, और ये इन्वर्ट करके हमने प्रिंट दिया है। ओके, ये देखिए आपको मैं दो ट्रेसिंग दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? एक देखिए नीचे वाला, एक ऊपर, दोनों है वही, लेकिन इसमें क्या होगा, भर जाएगा। देख रहे हैं आपने, वो जो नोवाडेंस या जो भी अपना प्रिंट इन्हांसर मारने के बाद ऐसा हालत है इसका। ये देखिए लाइट के सामने देखेंगे तभी समझेगा, ऐसे तो आपको दोनों ही बराबर दिखता है। ये देखिए, ठीक है, और वो दिखाइए दूसरा वाला, देखिए इसका डेंसिटी, देखिए दोनों एक साथ दिखाइए तभी आपको समझेगा। ये देखिए कितना फर्क है। तो अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ ना, तो ऊपर वाला अगर रहेगा ना, तो आपको ख़राब हो ही नहीं सकता, ना डॉट उड़ेगा और ना भरेगा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा और चौथा, क्या क्या कारण है सब अब बताऊंगा आपको, पूरा ए टू जेड क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी हम चलते हैं दूसरे पे। अभी देखिए ये प्रिंट इन्हांसर तो आपको सबको पता रहेगा, इसके लिए मैं इसको जान के दिखाता हूँ, और ये ऐसा स्प्रे लेने का। ओके, अभी देखिए हमने मारा है, इसको क्या करना है, पैन के सामने थोड़ा हवा लगाना है सूखने के लिए। ओके, ये देखिए ऐसा, ये देखिए कैसा डार्क दिख रहा है अभी केमिकल मारने के बाद। उसके बाद क्या करना है, ऐसा कट कर लेना है, वाइट थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, पूरा कट कर देना है। उससे क्या होगा, आपको जब वो जिलेटिन रोल लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। ये देखिए अभी हम आ गए यहाँ पे, अभी क्या करेंगे, जिलेटिन रोल का जो जिलेटिन पेपर होता है ना, उससे पानी डाल के चिपकाएंगे। ये देखिए पानी डाला, देखा आपने, चारों साइड से पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लेकिन एक हाँ भींगा हुआ होना चाहिए, इतना भी नहीं कि सूखा रहेगा ना, तो आपका ये बराबर नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो ये तो चिपकाने सब आप लोग को आता ही रहेगा, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसे रखना है, और एक कपड़े से कैसे करना है ना, वो ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए ऐसा करना है, बीच से चारों साइड से निकालना है, नहीं तो साइड से लेके आएंगे ना, पानी ट्रेसिंग पे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, बीच से कपड़े से चारों साइड जिलेटिन रोल को ये करना है, प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जो पानी इधर उधर बाजू में भी रहेगा ना, वो निकल जाएगा, आपके इसके ऊपर पानी नहीं आएगा। इसके ऊपर पानी आया तो फिर से आपको ये करना पड़ेगा। ये देखिए कितना हार्ड होता है, मजबूत जोड़ हो जाता है, फेविकोल का मजबूत जोड़ कैसा होता है, और फेविक्विक का, अब जय बिरू का कैसा था, वैसा जोड़ ही हो जाता है, ये कब हिलेगा ही नहीं। आप देखो ऐसा चिपक गया, देखो लगता है फेविक्विक से, फेविबोंड से चिपकाया है, ऐसा पानी से चिपकता है। इसके लिए मैं पानी को बोलता हूँ चिपकाने के लिए। अब फटाफट बॉर्डर टेप मारते हैं और लिक्विड डालते हैं, और दूसरा रीजन बताते हैं वो ऐसा क्यों होता है वो करके। ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथे, फिर पाँचवें पर चलेंगे, जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो रीजन पर रीजन जाते जाएंगे। ओके फ्रेंड, ये देखिए हम कैसे करते हैं, ये ट्रेसिंग को ना दोनों साइड से ऐसा टिश्यू टेप मारते हैं। कल मुझे एक कमेंट आया था, आप लोगों ने शायद देखा रहेगा एक वीडियो पे, कि ये टिश्यू टेप नहीं चलता है क्योंकि वो थोड़ा वाइब्रेशन आता है स्टैम्प मारने पर। लेकिन फ्रेंड मैं ये ना 40 ईयर से कर रहा हूँ, जब नाइलो का स्टैम्प बनाता था ना, फ्लेक्सो प्लेट का, जैसे फोटोपोलीमर प्लेट बोलते हैं आप लोग, उसका जब भी बनाता था तभी भी हम यही टिश्यू टेप वापरते थे, कभी कभी भी वाइब्रेशन नहीं आया,
और इससे भी नहीं आया तो मुझे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कौन थे, उनको भी मैं झूठा साबित करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। और ये क्या इजी पड़ता है, तुरंत इसे ऐसा कट किया, वो रबर चिपकाया और सब सिंगल सिंगल कट कर दिया। ऐसे एक बार रबर चिपकाएंगे, फिर उसमें वो टेसिंग टेप लगाएंगे, फिर फोम टेप लगाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके फ्रेंड, अभी उधर लिक्विड डल गया है तो हम लोग उधर चलते हैं देखने उधर क्या हो रहा है। ये देखिए, एक का कमेंट आया था कि आपके लिक्विड में बबल्स नहीं आते क्या? बबल्स आते हैं, जब आपका बोतल ख़त्म होने वाला रहेगा ना तो सभी के बबल्स आते हैं, लेकिन मेरा तो क्या निकाला हुआ रहता है ना, तो इसके लिए बबल्स आते नहीं, ड्रम से निकाला हुआ रहता है। जब बोतल से यूज़ करेंगे और जब लास्ट यूज़ करेंगे ना तो बबल्स आएगा ही आएगा फ्रेंड। ये देखिए, अभी क्या करते हैं, उल्टे साइड से ना पहला निकाल के रख देते हैं, सीधे साइड से नहीं, उल्टे साइड से, ऐसा। और इस पे लाके वो रबर जो हम लोग बना रहे हैं ना अभी, वो लाकर चिपका देते हैं, ठीक है सर? ओके फ्रेंड, अभी हम रबर लाके आपको चिपका के दिखाते हैं, लेकिन रबर अभी बना नहीं है तो अभी चलते हैं उधर, बनाते हैं पहले, फिर इसके ऊपर आते हैं। ओके, ये देखिए, अभी लिक्विड फैल रहा है लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है ना, इधर से लिक्विड निकालना है इधर से और साइड में डालना है, देखा आपने? ये सिर्फ ध्यान रखना है, बीच से लिक्विड निकाल के चारों कॉर्नर ये करना है, नहीं तो क्या होगा, कॉर्नर आपका भर जाएगा। ये देखा आपने, ये ऐसा निकालना है और ये कॉर्नर में डालना है, सबको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, लिक्विड फैल गया है, हमने बीच से निकाल निकाल के चारों साइड में रखा है। ओके, अभी बैक शीट कैसे रखते हैं, ये देखिए ऊपर से दिखाइए, ये ऐसा छोटा कट गया मेरे से बैक शीट थोड़ा, ये देखिए ऐसा बबल्स जाता है, अपने आप जाएगा, ठीक है? अभी हम पैकिंग देते हैं दोनों साइड में, ये देखिए पैकिंग और कांच रख दिया। अभी क्या लग रहा है आपको, लिक्विड बाहर निकल रहा है? नहीं लग रहा है ना, देखो लिक्विड बाहर नहीं निकला। अभी क्या जो मैं बता रहा था ना, वो अभी वो डॉट उड़ने वाला ये आया। अभी क्या करना है, अगर ये लिक्विड ओवरफ्लो होता, लिक्विड बाहर निकलता, तो क्या करना है, टाइम बढ़ा देना है। और निकलते रहा और हमने क्या किया, फटाक से दरवाज़ा इधर ऐसा देखो बंद कर दिया और टाइम चालू कर दिया, ये देखो ऐसा यहाँ से फटक से हमने देखा नहीं कि लिक्विड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बंद किया और टाइम ऑन कर दिया, तो क्या होगा, पक्का 100% डॉट उड़ जाएगा आपका। अब ध्यान से सुनो, आप लोग क्या करते, पूरा वीडियो देखते नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप पूरा सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका 100% गारंटी देता हूँ मैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो क्या करना है, लिक्विड चेक करना है बाहर निकला क्या या नहीं निकला, नहीं निकला ना तब टाइम देना है, निकला तो भी रुक क्या करना है, अगर निकला तो भी डॉट उड़ेगा तो क्या अपने को टाइम बढ़ा देना है, दूसरा हो गया। तीसरा, अगर लिक्विड बाहर नहीं निकला तो क्या करना है, टाइम कम करना है, नहीं तो जैसा मैं भरा हुआ दिखाया था ना आपको स्टार्टिंग में वैसा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, देखो लिक्विड बाहर नहीं निकला है तो हम टाइम कम देंगे, ऐसे हमारा पहले से एस्टिमेट टाइम जो था 85+9 देना था, लेकिन अभी हम क्या उतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मेरा लिक्विड बाहर निकला नहीं है, तो उतना हम टाइम नहीं दे सकते, नहीं तो पक्का भर जाएगा। तो हमें क्या करना है, कितना टाइम देना चाहिए मैडम आपके हिसाब से? ठीक है, वो नहीं बता रहे, अभी हम भी करते हैं कुछ, क्या करते हैं हम 87 देते हैं, ठीक है? 87 पे 7 और 80 हो गया। ओके, ऐसे ये और कम में भी चलेगा, समझिए 86-85 में भी चल जाएगा, ट्राई करते हैं 85 में, ठीक है? और ये 8 कर देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं 86 करते हैं, तो 6 इधर और 6 दो 8 ले लेते हैं। ओके, ये देखो 8 हम ले लेते हैं, तो कितना, ये 6 हो गया, 2 और कम, 78 पे बंद कर देंगे, ऊपर का ट्यूब बंद कर दिया, ठीक है? ऊपर का 8 दिया है और इसका 78 दिया। ओके फ्रेंड, अब कैसा होता है आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टाइम ख़त्म हुआ, अभी ये देखिए, अभी दिखाते हैं,
ये देखिए लाइव देखिए आप, कैसा ऐसा नहीं कि बाद में कुछ नहीं, सामने देखिए आप, देखा आपने डीप, और ये डॉट उठता है कि नहीं ये सब दिखाता हूँ मैं, डॉट उठता है कि नहीं वो सब दिखाता हूँ थोड़ा लिक्विड निकालने के बाद। ये देखिए वाशिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है, अभी उधर लाइट में चलेंगे, अभी तो यहाँ पे वहाँ पे चल के दिखाता हूँ आपको। ये हाइपो का पानी है, मैं किसी दिन उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा हाइपो के पानी के लिए, कि हाइपो के पानी कैसे बनाए, ठीक है। उसमें अभी डाल दिया है, उसमें थोड़ा डीप कर देने का कि अंदर गया कि नहीं, और लाइट चालू कर देना है, ज़्यादा देर नहीं, एक आध मिनट के लिए बस, एक आध मिनट आधा मिनट करेंगे ना बस हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको लाइट चालू करके दे देना है। ये देखिए हो गया टाइम ख़त्म, ये देखिए ऐसे निकाल के उसका पानी पूरा गिरने देना है नीचे, ये देखिए ऐसा ना एक बार निकाला और आपको लाइट आ रहा है, ये देखिए ठीक है। उसको क्या करना है ना दोबारा कुछ फ्रेश कपड़े से फिर से करना है। एक मेरा फ्रेंड है इधर गुजरात में, उनका भी क्या हो रहा था, जब ये ट्रेसिंग चिप कर रहे थे ना उसके ऊपर तो वो निकल जा रहा था, वो क्यों होता है हाइपो का पानी जो रहता है ना फ्रेंड, वो एकदम यहाँ पे ट्रेसिंग को ना गम ही नहीं लगने देता। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए, आपको इसको ना पूरा साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग कैसा हाथ से करते हैं, दूसरे कपड़े से करते हैं, तीसरे से करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं तो ये जो ये है ना आपको ये चिपके का ही नहीं, और चिप अभी चिपका भी देंगे तो कस्टमर को घर जाते जाते वो निकल जाएगा, तो अपने को फिर बोलेगा अरे क्यों ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, चिपकाएंगे कैसे हम लोग करते हैं इजी काम वो। और उसके पहले आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए हम आपको बोल रहे थे ना, एकदम ध्यान से देखिए डॉट, ये देखिए कितना 5-6 का फॉन्ट है, ये जो ट्रोडेट वाला होता है ना, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाले पे हम इसको बनाना है, इसका देखिए कितना कम फॉन्ट है, देखा आपने, लेकिन आप देखिए डीप डॉट, ऐसा आपको ना किसी के पास नहीं मिलेगा ये सब चीज़, ये देखिए एक भी डॉट आपको जाया गया नहीं रहेगा, ओके। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हम चिपकाते हैं, एक उल्टे साइड का निकाला था वो आपको दिखाया था, अभी क्या करना है ऐसा एक बर्ड पकड़ना है, कोई एक बर्ड, और उसके ऊपर रख देना है बस, ये देखिए, और फिर ऊपर से क्या करना है ऐसा प्रेस कर देना है, ठीक है। अभी ना आपको एक स्टेम दिखाते हैं मार के, एक ये इंटर वाला या तो ये डिजाइन वाला, कोई एक स्टेम निकालिए और दिखाइए स्टेम मार के। ये देखिए हमारा कैसा रहता है, ऐसा रहता है, एक्रेलिक अलग रहता है, बहुत लोग पूछते हैं फोटो भेजो बेटो चले, लेकिन उनको तो सब जॉइंट वाला लगता है ना, हमारे पास ये ऐसा एक्रेलिक, ऐसा स्क्रू डाला, फिर ये हैंडल ऐसा फिटिंग किया, इसको ऐसा फिटिंग करते हैं, ऐसा फिटिंग हुआ। अभी क्या करना है कटिंग, ये देखो आपको कैसा कट करना है, ऐसा हमारा एकदम चिपका हुआ रहता है, जितने में सब लोग 4 स्टेम बनाते हैं उसमें हम 10 स्टेम बना देते हैं, ये हो गया। अभी आपको दिखाते हैं ये, एक तो ये हो गया, फिर ये हो गया, और इसका डॉट दिखाते हैं आपको, और हमको सबसे बड़ा बात क्या लगता है कि इसमें ना पतला रबर लगता है, तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये जब बनाएंगे ना तो इसको रबर पतला चाहिए, नहीं तो वो बाहर निकलेगा। ये देखिए ऐसा निकालना है, ये रबर का ना पूरा निकालना है, ये देखिए ये पूरा हटा देना है इसमें, तो और पतला होएगा ना तो और अच्छा आएगा, ठीक है। आपको सब मार के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ओके, अभी आपको ये देखिए अभी आपको 2-3 दिखाता हूँ कैसा है, अब डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है,
ये देखिए स्टैम्प। अभी ये पहले दिखाता हूँ मार के, ये डॉक्टर का है, पूरा नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए डॉट, सिर्फ देखिए आप, ये देखिए ये हुआ। अभी इसको आपको ऐसा निकालना है, ये देखिए ऐसा, और ऐसा, ये देखिए, देखा अपने क्वालिटी। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।